पीएम कृषि सिंचाई योजना 2022 गहलोत सरकार दे रही है किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर 75 से 90% तक की सब्सिडी, यानी किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2022 गहलोत सरकार दे रही है किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर 75 से 90% तक की सब्सिडी, यानी किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकटर न्यूज में। जयपुर देश में इस साल मानसून का रुख कुछ साफ नहीं है। देश के कई राज्यों में अधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, तो कुछ राज्यों में सामान्य से भी नीचे बारिश देखने को मिली है। इस दौरान जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से राजस्थान के किसानों को काफी नुकसान पहुँच रहा है। दरअसल राज्य में कम बारिश और पिछले कुछ दशकों से भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके चलते खेती के लिए पर्याप्त जल नहीं बचा है। लगातार गिरते भूजल स्तर से सरकार और किसान दोनों चिंतित है। राज्य में इन दिनों सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों को इस साल खेती में काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को खेती की पद्धति में बदलाव करने की पहल की है। फसलों की सिंचाई को लेकर नए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन कम हो और कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए राजस्थान उद्यान विभाग द्वारा ड्रिप मिनी फुहारा सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने पर लघु सीमांत महिला SC ST कृषकों को 75% तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी? राजस्थान में पानी की कमी हमेशा रहती है, जिसके कारण भारी जल संकट बना रहता है। इसलिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र का उपयोग इन संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत अच्छी खासी अनुदान दे रही है। राजस्थान कृषि विभाग और कृषि उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर अलग अलग वर्ग के किसानों को 3% हिसाब से अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सिंचाई माइक्रो इरिगेशन संयंत्रों पर लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है, तो वहीं अन्य वर्ग के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन संयंत्रों पर कुल लागत का 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के उपयोग एवं लाभ। उद्यान पदाधिकारी के अनुसार आज भी लोग पारंपरिक स्रोत पर ही निर्भर है। मैं पानी की उपयोगिता की दक्षता में सुधार करने के प्रयास से राज्य उद्यान विभाग द्वारा किसानों को ड्रिप मिनी फुहारा और फुहारा सिंचाई संयंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इससे प्रेरित हो सके और कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई कर सके। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए पात्रता। इच्छुक किसान के पास स्वयं की भूमि या जल स्रोत उपलब्ध है, ऐसे किसानों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे लाभार्थी या संस्थाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो संविदा खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अथवा 7 वर्ष के लीज एग्रीमेंट की भूमि पर बागवानी या खेती करते हैं। यदि लाभार्थी के पास कुआ और उसका स्वामित्व 2 लोगों के पास है, तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन? योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान अपने सभी दस्तावेज जैसे आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कृषि भूमि के कागजात, भामाशाह कार्ड, जमीन की जमाबंदी, खेत की नकल, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र जैसे बिल, शपथ पत्र, संयंत्र प्रिंटेड बिल आदि को लेकर ई मित्र केंद्र पर जाना होगा। ई मित्र केंद्र के माध्यम से राज किसान पर ऑनलाइन आवेदन किसान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज किसान पोर्टल HTTP://rajkisan.rajasthan.gov.in पर मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।